नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम दो घड़ी की दो सुइयों के बीच का जो कोण निकालते हैं उसके बारे में ट्रिक देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम रीजनिंग के चैप्टर, क्लॉक का जो चैप्टर है, घड़ी की सुइयों के बीच के कोण निकालना, उसके बारे में हम ट्रिक के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे अगर, तो आप घड़ी के बारे में जो भी कोई प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो ट्रिक का नाम है वो है कोण निकालना। तो इसका आपको एक सूत्र याद रखना है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटावा 2। अब ये ट्रिक कैसे क्या काम करता है इसके बारे में हम उदाहरण लेके समझेंगे। तो ये हम उदाहरण ले लेते हैं, 4:40 के अंदर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो अब इस ट्रिक के द्वारा कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हो रहे हैं तो मिनट हम देखते हैं 40 हो रहे हैं, माइनस 60 इंटू बजे कितने हैं, 4 बज रहे हैं तो 4, उसके बाद बटाव में 2 लिखना है। फिर 11 को 4 से गुणा करोगे आप, 11 चौक 44, माइनस 60 को 4 से गुणा करोगे 240 बटावा 2। 440 में से 240 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 200 बच जाएंगे बटावा 2, और 200 में 2 का भाग दोगे तो 100 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। मतलब 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण बनेगा 100 डिग्री का। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। आपको एक चीज़ याद रखना है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटाव में 2। इसके द्वारा आप घड़ी की दो सुइयों के मध्य आसानी से कोण को निकाल सकते हो। बस आपको ये कोण निकालने वाला एक सूत्र याद होना चाहिए और उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं हम समय निकालना। ये तो था हमारे पास कोण निकालना, उसके बाद समय निकालना। अब समय निकालने का भी एक ट्रिक है हमारे पास, उससे पहले हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं। कोण निकालने वाला, 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, वो का वही सूत्र लगाना हमको, 11 इंटू मिनट हो जाएंगे 20, माइनस 60 इंटू बज कितनी रही है, 8 बज रही है तो 8 बटाव में 2। तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएंगे, और 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 6 48 और 0 ऐसा कैसे बटाव में 2। अब दोस्तों इसमें चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमेशा। तो 480 में से 220 घटाएंगे अगर तो हमारे पास बच जाएंगे 260 बटावा 2, और 260 में 2 का भाग देंगे तो 130 डिग्री। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण आ जाएगा 130 डिग्री, कब, जब 8:20 हो रहे होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम समय निकालने वाला, कि समय के निकालना है आपको कि कितनी बजकर कितने मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो विपरीत दिशा में होगी। समय के लिए है ये ट्रिक, समय पूछा जाए अगर तो, मतलब पहला है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब जैसे ये घड़ी है तो अगर मिनट की सुई इस दिशा में है तो घंटे की सुई इस दिशा में रहेगी। तो मतलब किस समय दिया गया होगा आपको दो, तो उनके बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में रहेगी ये आपको निकालना है। तो इसका ट्रिक है, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। अगर समय 6 से बड़ा है तो आपको माइनस करना है, और 6 से छोटा है तो आपको प्लस करना है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। 8 से 9 के बीच का समय दिया गया है, पूछा गया है कि दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत दिशा के लिए बजकर कितनी बज रही है, 8, तो 8 ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद 60/11, अब देखो समय क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 6 से बड़ा है तो 8 माइनस 6 करना है। अगर 8 6 से छोटा संख्या दे रखी हो तो आपको प्लस करना है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8:60/11, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब वापस 60 को 2 से गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा
आठ बजकर 120 बटावा 11 मिनट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, आठ बजकर 120 बटावा 11 मिनट। आप चाहो तो इसको वापस मिक्स्ड बीन में बदल सकते हो। 120 बटावा 11 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 10 बटावा 11, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको, कब ये सूत्र लगाना है आपको, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो तब का समय निकालना हो तब ये ट्रिक लगेगी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण पर होगी, तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी, बजकर 60 बटा हुआ 11 इंटू समय प्लस माइनस 3। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं आपको, क्योंकि जो घड़ी की जो सुइयां होती है वो एक घंटे के बीच में दो बार लंबवत होती है। समकोण का मतलब लंबवत, और लंबवत आपको समझना हो तो जैसे ये घड़ी है तो इसकी सुइया ये लंबवत हो रही है एक बार समकोण पर, उसी प्रकार एक वापस इधर समकोण पर होगी, मतलब दो बार समकोण बनेगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको हम, जैसे 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे बजकर तो 7 बजकर उसके बाद 60 बटा हुआ 11 और समय प्लस माइनस 3, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, दोनों करना है यहाँ पर, तो 7 में 3 जोड़ेंगे अगर तो कितने आ जाएंगे, 7 प्लस 3 10 आ जाएंगे, और 10 को 60 से गुणा करेंगे तो 7 बजकर 600 बटा हुआ 11, 7 बजकर 600 बटा हुआ 11, और फिर इसको हम मिश्र बीन में बदल लेंगे तो 7 बजकर 54 सही 6 बटा हुआ 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी, ये समकोण पर होगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, 7 बजकर 54 सही 6 बटा हुआ 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। अब इसी के साथ हमको एक और करना है माइनस लेके, उसमें भी ऐसे ही करना, 7 बजकर 60 बटा हुआ 11 और समय में 3 माइनस कर लेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे अगर हम तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 240 बटा हुआ 11, फिर इसको मिश्र बीन में बदल लेंगे तो 7 बजकर 21 सही 9 बटा हुआ 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। इसमें आपको दो बार आंसर फाइंड आउट करना है क्योंकि दो बार लंबवत होगी। उसके बाद अगला देखते हैं हम, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में अगर समय दिया गया हो और आपको पूछ लिया जाए कि घड़ी में जैसे 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हो तो दर्पण में क्या समय होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या करना हो हमको, अगर संख्या 11 से छोटी है तो उसको 11 बजकर 60 मिनट में से घटाना है, और अगर संख्या 11 से बड़ी है तो उसको 23 बजकर 60 मिनट में से घटाना है। जैसे 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं हमारे पास, 3 बजकर 35 मिनट, तो ये 11 से छोटा है तो इसको 11 बजकर 60 मिनट में से 3 बजकर 35 मिनट हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 11:60 में से अगर हम 3:35 घटाते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, फिर यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, और फिर इधर 11 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर, 11 में से 3 गए तो 8 बच गए। तो अगर जब घड़ी में 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं तो दर्पण में समय क्या होगा, 8 बजकर 25 मिनट, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8 बजकर 25 मिनट। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों मैं, कि जैसे समय अगर 11 से छोटा है तो 11 बजकर 60 मिनट में से माइनस करना है, और समय अगर 11 से बड़ा है तो 23 बजकर 60 मिनट में से माइनस करना है, घटाना है। इसका उदाहरण है 3 बजकर 35 मिनट, तो 3 बजकर 35 मिनट को हमने क्या किया, 11 बजकर 60 मिनट में से 3 बजकर 35 मिनट घटा लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 बजकर 25 मिनट। अब उसी के बाद घड़ी के अंदर ही
जल प्रतिबिंब देखते हैं हम। जल प्रतिबिंब में क्या करना है हमको, अगर संख्याएं जो समय दे रखा है वो 1 से 6 के बीच में है तो उसको हमको 6.5 में से घटाने हैं, और समय जो दे रखा 7 से 12 के बीच में है तो उसको 18.5 में से हमको घटाना है, 18:30 में से घटाना है, उसमें 6:30 में से घटाना है। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, 2:25 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, मतलब हमको बताना है कि 2:25 में अगर घड़ी में यह समय हो रहा है तो अगर जल के अंदर हम उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या समय होगा। तो हमको क्या करना है, 2:25 हो रहे हैं तो ये 6 से कम है तो हमको क्या करना है, 6:30 में से 2:25 घटाने हैं, 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बज जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वापस 6 में से 2 गए तो 4, तो 4:05 होंगे। जब हम जल में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो घड़ी के अंदर 4:05 होंगे। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ के साथ में ही अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से जो घड़ी से संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही गजब की ट्रिक से वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हम कोण निकाल सकते हैं घड़ी की 2 सुइयों के बीच का, हम घड़ी की सुइयां कब कब विपरीत दिशा में होगी और कब कब समकोण पर होगी वो समय निकाल सकते हैं, उसके बाद हम दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं घड़ी का, उसके बाद जल प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटे समय के वीडियो में हमने घड़ी के जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है और तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और साथ के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।